हेलो गाइस, तो दिस इज़ डे टू इन हैदराबाद और आज मौसम बहुत सही हो गया है। वापस कल भी अच्छा था, आज फिर से सही हो गया है और अभी बारिश हुई थी, अच्छी हुई थी। अभी भी डार्क क्लाउड्स हैं इधर पूरे इस एरिया में कम्प्लीटली। और अभी हम लोग नीचे फ्राइड राइस बना रहे हैं तो वो खाएंगे, शाम को फिर और कुछ एक्सप्लोर करने चलेंगे। तो जो भी एक्सप्लोर करेंगे बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। कल पूरा ऑलमोस्ट आईटी पार्क पूरा कंप्लीट कर ही लिया, तो आसपास वाला मैक्सिमम कंप्लीट कर लिया उसके अंदर का। और अभी वाले टाइम लैप्स कैसी लगी ये बताना जरूर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, और आज हम हुसैन सागर लेक जा रहे हैं, वहाँ पे इवनिंग का व्यू काफ़ी अच्छा है इसीलिए। ये है पीछे लुम्बिनी पार्क जो कि हुसैन सागर के एक लास्ट वाले पॉइंट पे है। फिर सामने की तरफ से पूरा व्यू है, तो हम लोग आगे जा रहे हैं इसके रिंग रोड पे। ये चारों तरफ से हम लोग व्यू देखने वाले हैं इसका। दिनभर में यहाँ बारिश हुई है तो हम लोग दिन में तो निकले नहीं है, शाम को ही निकले हम लोग। तो अब शाम को जब निकले हैं तो निकले, आज तो सिटी भी क्रॉस करी। आज लगा कि कल तो पूरा सुनसान वाला एरिया था, आज लगा कि कहीं सिटी में निकले हैं, भीड़ भाड़ वाला एरिया मिला है आज। पीछे है ये हुसैन सागर लेक, और जो प्लेन में से जो दिख रहा था ना बादलों के बीच में दिख रहा है वो फ्लैग बड़ा सारा, वो यही वाला फ्लैग है देखो जो सामने दिख रहा है ना। अब इसमें बुद्धा स्टेचू है दूसरी साइड में, अब हम लोग उधर जा रहे हैं तो वहाँ से सीन देखेंगे। अब यहाँ से हमने कुछ है ना लॉन्ग एक्सप्लोर शॉट लिए हैं, इसको मैं शो करूँगा। बाकी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, फ्लैग का भी आ रहा है, बुद्धा स्टेचू का भी आ रहा है, और इसके पूरी जो ये नेकलेस वाली जो रोड है ना इसका पूरा बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। देखो ये है पूरी नेकलेस वाली रोड, ये उधर गई, ये बुद्धा स्टेचू आ गया, सामने फ्लैग और ये मनीष। अब हम जा रहे हैं आगे। यहाँ से दोनों का, बुद्धा स्टेचू और फ्लैग, दोनों का बहुत सही और एक साथ व्यू आ रहा है, दोनों साथ में दिख रहे हैं यहाँ से। अब चलते हैं इसके भी आगे, चलो मनीष चलो। yes. चलो यार, फाइनली हियर जो लास्ट पॉइंट था ना जहाँ हम आने वाले थे वहाँ आ चुके हैं। क्या है पीछे, ये है पीछे लव, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे, अब बीच में कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है, लेना है। एक तो चार्जर रह गया मेरा, वो चार्जर लेना है, पोर्टेबल चार्जर। खाना है तो देखते हैं, जो नई चीज़ दिखती जाएगी ना वो खाते हुए जाएंगे, जो नया नया मिलेगा। तो बाकी आज की ब्लॉगिंग वैसे ऐसी होनी चाहिए, इसके इसके आगे है ना। तो दिस इज, ये सही ब्लॉगिंग है आज, पूरा दिख रहा है अभी, अभी दिख रहा है। यस चलो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, पेट पूजा हो जाए तो इसके लिए हम लोग आए हैं बावर्ची पे। काफ़ी पुराना है और ओनली एक ही ब्रांच है यहाँ की, और कहीं भी बस यहीं पे है। ओके okay. ये इनका पूरा वी आर हैविंग बिरयानी, वेज बिरयानी ओनली, नॉट ओनली है। उधर चले चलो। तो हमने 200 के अंदर फैमिली पैक लिया है, 200 में फैमिली पैक वेज बिरयानी मिल गया है। इनका सामने भी मेरे को लग रहा है इधर वो भी है, और इधर भी कहीं है, दिखा दूँ मैं। बात कर रहे थे वो गौतम स्कूल है, और वो ये रहा स्कूल। सो वी आर बैक, 10 बज चुके हैं, 3 घंटे घूमे हुए आराम से, 2-3 घंटे फुल। और वहाँ से हमने बिरयानी पैक करा ली थी क्योंकि वहाँ काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्या बैठेंगे भीड़ में,
तो हम लोग क्या बैठेंगे भीड़ में, तो हम लोग ने पैक करा ली, अब हम लेकर आए हैं। तो बस बिरयानी खानी है, सोना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह चिलकुर बालाजी शायद यही जगह है, वहाँ जाएंगे। तो देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही जाना है तो अर्ली मॉर्निंग ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जल्दी भी पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ऑलमोस्ट कितना होगा, अराउंड शायद 30 किलोमीटर्स के आसपास है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। देखते हैं, तो पहले पेट पूजा कीजिए अच्छे से, ओके। अरे जो फैमिली पैक आया था, डबल फैमिली पैक है ना, इतना सारा पूरी परात भर के परात भर के आई है पूरी फैमिली, डबल फैमिली पैक हो रखा है। और ये सिर्फ दो लोग मिलकर के ही खत्म करने वाला है, दो लोग विकी है मेरे जैसे भी दोनों हुए से एक है। नमकीन के बिना खाना पूरा नहीं होता, जब तक कुछ चटकारा मिलता नहीं तब तक लगता नहीं कुछ खाया है। मिर्ची वाला कुछ ऐसा होना चाहिए। और तुम लोगों के साथ ही मैं रोटी के साथ भी नमकीन खाना सीखा है। वेरी गुड, तो अच्छा है ना, कुछ नहीं हो तो नमकीन से खाना खा लो। इसके साथ सालन भी आए, सालन भी हम लोग डालने वाले। वी आर डन हियर। कितनी देर हो गई अपने खाते हुए, 50, एक घंटा हो गया, एक घंटे पे इतनी खाली हुई है, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया मैंने और अभिषेक नहीं खाया, हम दोनों ने ख़त्म किया है ना, इसने कुछ भी ख़त्म नहीं किया। लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था, जैसे मतलब वहाँ वेज बिरयानी टाइप ये कुछ भी खाते ना, इसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सही टेस्ट है यार। वहाँ पे जब अपन गए थे वहीं बहुत अच्छी स्मेल आ गई थी, जबरदस्त इसकी, जैसे जब प्रॉपर हैदराबादी बिरयानी। देखो गाइस, हम लोगों ने पूरी बिरयानी को फिनिश कर डाला है, और जो हमारे मेन महारथी बैठे हुए हैं ये हैं खाने वाले तो मैं भी हूँ खाने वालों में से। देखो मैंने भी बिल्कुल क्लीन कर रखा हुआ है, और एक प्लेट तो निकल चुका है, दही खाया बस, दही नहीं। और ये भुजिया भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दिया है। यस, तो अब हम लोग उठ रहे हैं। तो ये था आज का day 2, मिलते हैं कल day 3 पे। और पहले हेलमेट पे कैमरा सेट करना है, अगर हो जाता था माउंट अच्छे से तो ठीक है। गुड नाइट, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।